नमस्कार, मैं उमंग उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र के भाग दो भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, अर्थव्यवस्था अर्थात अर्थ की व्यवस्था करना। कोई देश किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करके आय अर्जित करता है, इसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। वे आर्थिक गतिविधियाँ जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से संबंधित होती हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि कृषि, वानिकी और डेयरी फार्मिंग, खदानें, ये सब कृषि क्षेत्र के उदाहरण हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का तात्पर्य है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित चीज़ों को रखा जाता है। उत्पादन में यहाँ पर हम बात करें जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को जब कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है और फिर उत्पादन किया जाता है, तो वह उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम बात करें गन्ना। गन्ना कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया और उससे शक्कर का उत्पादन हुआ, तो यह द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। फिर हम बात करें निर्माण, जैसे कि इमारत का निर्माण करना, सड़क का निर्माण करना, निर्माण कार्य को भी हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। फिर है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र मीन्स सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे कि हम परिवहन, संचार, बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि उदाहरण ले सकते हैं जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र आपस में संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार कोई देश की अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से किस प्रकार आय का अर्जन किया जा रहा है। तो यह होती है अर्थव्यवस्था। बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारा सर्वप्रथम अध्याय है स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता थी। तो इससे आकर्षित होकर यूरोपीय देश हमारे यहाँ पर आक्रमण करते रहे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर आगमन किया। आगमन किया व्यापार के बहाने, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी नीतियों का इस तरीके से प्रचार प्रसार करते रहे कि इन्होंने ना केवल भारत में साम्राज्यीकरण किया, बल्कि इस प्रकार की नीतियों को हमारे ऊपर लाद दिया गया कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने जमींदारी प्रथा का चलन प्रारंभ कर दिया। इन्होंने किसानों के ऊपर लगान लगाए। इन्होंने लघु और कुटीर उद्योगों पर भारी मात्रा में कर लगाए। इन्होंने इस तरह की नीतियां अपनाई कि यहाँ के कच्चे माल को ये इंग्लैंड ले जाते थे और इंग्लैंड से तैयार माल भारत लेकर आते थे और काफ़ी कीमतों पर बेचा करते थे। तो इस तरीके से हमारे कृषि क्षेत्र को भी नुकसान हुआ, हमारे औद्योगिक क्षेत्र को भी नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब ये कि अंग्रेजों के आगमन से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान हुआ। अब हम बात करें स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इन्हीं सब कारणों से, चूंकि भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में इतनी पिछड़ी हुई दशा में थी तो इनको किन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, इन्हें हम पांच बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु है अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पर राष्ट्रीय आय बहुत ही कम हो, प्रति व्यक्ति आय कम हो, गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा हो, जीवन स्तर बहुत ही कम हो, औद्योगिक क्षेत्र का विकास ना हो, जन्म और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति इसी प्रकार की थी। दूसरी इसकी विशेषता है कि स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति कैसी थी। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्थिर अर्थव्यवस्था। स्थिर अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जहाँ पर बहुत ही लंबे समय से कोई विकास नहीं हुआ था।
ना तो उद्योगों का विकास हुआ, ना तो कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, ना ही अधोसंरचना का विकास हुआ हो। बहुत लंबे समय से लोग गरीबी को देख रहे हों। तो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है स्थिर अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय हमारी यही स्थिति थी कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्थिर दशा में थी। तीसरा, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय हमारी अर्थव्यवस्था इस प्रकार की थी कि लोगों के हाथों में पैसा नहीं था, जो केंद्रीकरण था धन का वो केवल कुछ ही लोगों के हाथों में था। ऐसा क्यों था? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा का चलन प्रारंभ कर दिया था। उद्योग विकसित तो हुए लेकिन वो केवल कुछ ही हाथों में केंद्रित रह गए। इसी तरीके से जमीन पर जो अधिकार था वो केवल कुछ ही लोगों के हाथों में रह गया। तो इस प्रकार आय की बहुत अधिक असमानता देखने को मिली और धन का केंद्रीकरण केवल कुछ ही लोगों के हाथों में रहा। बाकी लोग बहुत ही दयनीय दशा में अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता के समय भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, तो हम कहेंगे कि ये बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में थी। पिछड़ी हुई अवस्था का मतलब यहाँ किसी प्रकार का कोई विकास देखने को नहीं मिला था। यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को ठीक से खाने को नहीं मिलता था, लोग बहुत ही निर्धनता के शिकार थे। यहाँ की अर्थव्यवस्था अत्यधिक पिछड़ी हुई अवस्था में थी। जो उत्पादन के साधन थे उन सब का प्रयोग इतना अत्यधिक शोषण किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि उनकी उत्पादकता भी लगातार कम होती चली गई। तो हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के समय बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में थी। और आखिरी और बहुत ही मुख्य बिंदु जो मैं बात करने वाली हूँ वो है विभाजित अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था भी विभाजित हो गई। ऐसे में हुआ क्या कि जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र थे तो कच्चा माल उत्पादन क्षेत्र, जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर आपको बात करूं कि जूट मिल तो कहाँ रह गई, हमारे यहाँ कलकत्ता में, और जूट उत्पादित क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो इस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था विभाजित हो गई। अब उसी कच्चे माल के लिए जो हमारे भारत में उत्पादित होता था हमें पाकिस्तान का मुंह ताकना पड़ा। इसी तरीके से हमारा बहुत सारा फर्टाइल लैंड था, ऊपर से संबंधित जो भूमियाँ थी वो विभाजित हो गई। हमारी आधारभूत संरचना का विभाजन हो गया, रेलवे का विभाजन हो गया, सड़क का विभाजन हो गया, हमारी जनसंख्या का विभाजन हो गया, बाजार का विभाजन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का विभाजन हुआ है। देश का विभाजन मतलब अर्थव्यवस्था का विभाजन, भारत और पाकिस्तान। एक और चीज़ क्या हुई कि पाकिस्तान से लोग शरणार्थियों के रूप में भारत में आने लगे। तो वैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और ऐसे में हमको उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी थी। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर देखें कि 1947 के टाइम पे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी दशा में थी, बहुत ही दयनीय दशा में थी। चाहे कृषि क्षेत्र देख लीजिए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए, चाहे अधोसंरचना का विकास देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये कि स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक दशा बहुत उन्नत अवस्था में नहीं थी। भारत की स्थिति को स्वतंत्रता के समय देखने के पश्चात अब हम बात करेंगे कि भारत के विकास के लिए अब क्या प्रयास किए गए। अभी जैसे हमने बात की कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में थी, तो 1947 के बाद अब यह सोचा जाने लगा कि भारत के चहुंमुखी विकास के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए एक केंद्रीय तंत्र की, एक केंद्रीय नियोजन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा। तो हमने अब ये कोशिश की कि अब भारत के विकास के लिए क्या करेंगे, तो योजना बनाएंगे। तो योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में और 1 अप्रैल 1951 से पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ कर दिया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 से प्रतिस्थापन कर नीति आयोग के रूप में उसे प्रारंभ किया गया है। तो योजना आयोग को डिसॉल्व करके अब
1 जनवरी 2015 से उसका नाम हो गया है नीति आयोग। अब हम बात करेंगे कि नियोजन क्या होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि योजना आयोग योजनाएं बनाता है, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से, तो इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन की हम बात करेंगे। अब ये आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियोजन का अर्थ है जब एक निश्चित समय अवधि के लिए केंद्रीय तंत्र के द्वारा संगठित व समन्वित तरीके से विकास करने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें केंद्रीय तंत्र अपने उपलब्ध संसाधनों के द्वारा एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब नियोजन क्या हुआ, नियोजन की विशेषताएं क्या हुई। सबसे पहला, नियोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो हम कहेंगे वो केंद्रीय तंत्र के द्वारा किया जाता है। अब भारत में वो केंद्रीय तंत्र क्या है, तो हम कहेंगे प्लानिंग कमीशन, मतलब योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो हम बात करेंगे 1950। ठीक, फिर बात हम करेंगे निश्चित समय अवधि के आधार पर नियोजन किया जाता है। ठीक, जैसे कि हम बात करें पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 साल के लिए प्लानिंग की जा रही है। फिर हम बात करें संगठित और समन्वित तरीके से, संगठित और समन्वित तरीके से नियोजन किया जाता है, योजना बनाई जाती है, विकास का प्रयास किया जाता है। फिर हम बोल रहे हैं उपलब्ध संसाधन, अब पूर्व निर्धारित उद्देश्य है तो किस तरीके से प्राप्त करेंगे, जो देश में उपलब्ध संसाधन होंगे उन्हीं के द्वारा हम अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार केंद्रीय तंत्र, निश्चित समय अवधि, संगठित और समन्वित नियोजन, पूर्व निर्धारित उद्देश्य, उपलब्ध संसाधन, ये नियोजन की विशेषताओं के रूप में आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो नियोजन के उद्देश्य दो तरह के होते हैं, एक होता है आर्थिक उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। अब हम बात करेंगे आर्थिक उद्देश्य की। तो आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं, आर्थिक उद्देश्य वे होते हैं जो कि आय, प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, रोजगार आदि से संबंधित होते हैं। वे उद्देश्य होते हैं आर्थिक उद्देश्य, मतलब आर्थिक नियोजन के वे उद्देश्य जो कि आय और रोजगार से संबंधित है, संसाधनों से संबंधित है। तो इसमें हम पहले उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य आर्थिक नियोजन का राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। आर्थिक नियोजन के माध्यम से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। दूसरा है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार ये प्रयत्न करती है कि साधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके ताकि उनकी उत्पादकता अधिक हो सके। तीसरा है संतुलित विकास। आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार संतुलित विकास करने का प्रयास करती है। संतुलित विकास का मतलब कि सभी क्षेत्रों का बराबरी से विकास हो सके, ना केवल अर्बन एरियाज का बल्कि रूरल एरियाज का, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी अच्छे से हो सके। अगला है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाती है ताकि मूल्यों में स्थायित्व बना रहे। और अंतिम उद्देश्य है रोजगार का सृजन। आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार उत्पादन क्षेत्रों को विकसित करती है, औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का प्रयास करती है, अधोसंरचना को विकसित करने का प्रयास करती है ताकि रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके। तो ये हैं आर्थिक नियोजन के आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक का मतलब आय, संसाधन, रोजगार, जीवन स्तर से संबंधित उद्देश्य। अब हम बात करेंगे सामाजिक उद्देश्यों की। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों का मतलब है ऐसे उद्देश्य जो कि समाज के कल्याण से संबंधित हैं। सामाजिक उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है सामाजिक न्याय व सामाजिक सुरक्षा। तो आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार इस तरह के प्रयास करती है जिससे कि लोगों में आर्थिक सुरक्षा का, सामाजिक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो सके। इसके लिए सरकार बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि कल्याणकारी योजनाओं का प्रारंभ करती है और इस तरह की योजनाएं चल भी रही हैं। दूसरा है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत।
अधिकतम सामाजिक लाभ तभी मिलता है जब समाज के हर वर्ग का कल्याण हो। तो इसीलिए आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार इस प्रकार की योजनाएं चलाती है जिससे कि ना केवल अमीरों का बल्कि गरीबों का भी कल्याण हो, ना केवल उद्योगपतियों का बल्कि किसानों का भी कल्याण हो, ना केवल बड़े उद्योगपतियों का बल्कि लघु एवं कुटीर औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास हो सके। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत के आधार पर आर्थिक नियोजन के अंतर्गत कार्य किया जाता है। तीसरा है सामाजिक समानता। सरकार आर्थिक नियोजन के माध्यम से सामाजिक समानता प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, जो अमीर लोग हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उन पर कर लगाती है और उन करों से प्राप्त आय को गरीब वर्गों के ऊपर, जरूरतमंद लोगों के ऊपर व्यय करती है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है उस खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। तो ये एक उद्देश्य होता है आर्थिक नियोजन का, सामाजिक समानता को प्राप्त करने के लिए। अगला है जनसंख्या नियंत्रण। जैसे आपने राष्ट्रीय आय देखा है वैसे आपने प्रति व्यक्ति आय देखा है। तो प्रति व्यक्ति आय, जब राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अब जब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो ऐसे में हमारी प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। तो आर्थिक नियोजन का एक मुख्य उद्देश्य होता है परिवार नियोजन के कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना। और अंतिम उद्देश्य होता है नैतिकता में सुधार। आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाती है जिससे कि भ्रष्टाचार कम से कम हो सके, अपराध कम से कम हो सके और हमारा समाज कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो इस प्रकार से सामाजिक उद्देश्यों की हम बात करें कि जिससे समाज का कल्याण होता है, तो आर्थिक नियोजन के दो तरह के उद्देश्य हुए, एक आर्थिक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य जिसमें हमने बात की कि आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, संसाधन, इनका विकास किस प्रकार से हो। और सामाजिक उद्देश्य जिसमें हमने सामाजिक समानता, सामाजिक कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण आदि संबंधित बातें की। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है और गांवों में कृषि कार्य मुख्यतः होता है। भारत में हम बात करें कि कृषि से संबंधित जब आंकड़ों को हम लेते हैं तो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 16% भाग केवल कृषि क्षेत्र से आता है। भारत में 2/3 जनसंख्या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। अब भारत में जब आप कृषि की बात कर रहे हैं तो जब आप भारत में कृषि की विशेषताओं की बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो भारत में कृषि की विशेषताएं हैं वही कृषि की समस्याएं भी हैं। किस तरीके से, तो अभी मैं आपको जो बिंदु बताने वाली हूँ उनके आधार पर हम देखेंगे कि भारत में कृषि की विशेषताएं ही कृषि की मुख्य समस्याओं के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। तो पहली हम बात करें मानसून पर निर्भरता। अभी भी भारत में सिंचाई व्यवस्थाओं का उतना विकास नहीं हो पाया है, तो अभी भी सिंचाई के लिए लोग मानसून का रास्ता देखते हैं। तो मानसून पर निर्भरता कृषि की एक विशेषता भी है और कृषि के लिए एक समस्या भी बनी हुई है। दूसरा है श्रम प्रधान तकनीक। भारत में किसान अनपढ़ हैं, उतना ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए वो अभी भी श्रम प्रधान तकनीकों को ही अपनाते हैं। श्रम प्रधान तकनीकों अपनाने से होता क्या है कि एक और तो उत्पादन कम होता है और दूसरी ओर उत्पादन की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तीसरा है छिपी हुई बेरोजगारी। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी का तात्पर्य है कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपका उत्पादन, आपका सीमांत उत्पादन शून्य है। मतलब जहां काम करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता है वहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं। तो ये कहलाती है छिपी हुई बेरोजगारी, जब आप काम करते हुए नजर आए लेकिन आपकी उत्पादकता शून्य हो। कृषि क्षेत्र में यही देखने को मिलता है, छिपी हुई बेरोजगारी। दूसरा, एक तरह की और भी बेरोजगारी इसमें देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी कैसे कि किसान 6 महीने तो काम कर रहा है लेकिन वो क्रॉप रोटेशन के बारे में नहीं जानता, तो अज्ञानता है। फिर सहायक जो उद्योग होते हैं उनके बारे में नहीं जानता,
तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो आधे टाइम तो काम कर रहा है और आधे समय वो बेरोजगार होता है। तो बेरोजगारी कृषि की एक बहुत बड़ी समस्या है, छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी। एक और विशेषता या समस्या कृषि के क्षेत्र में ले तो वो है पारंपरिक तरीकों का उपयोग। जैसे कि हमने अभी कहा कि हमारे यहाँ के किसान उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना ज्ञान नहीं है उनको। दूसरा, वो नई नई तकनीकों को अपनाने से भी डरते हैं, तो वो लोग पारंपरिक तरीकों को ही अपनाते हैं। पारंपरिक तरीकों को अपनाने से क्या होता है, एक और तो उत्पादन कम है, दूसरा उत्पादन की गुणवत्ता भी कम है। तो अब हम बात कर रहे हैं जोतों के आकार की। तो जैसा कि भारत में बहुत ज़्यादा पारिवारिक कारणों से संपत्ति का विभाजन हो जाता है या गरीबी के कारण, हमारे यहाँ जोतों का आकार बहुत ही छोटा होता है। और जोतों का आकार छोटा होने के कारण ये होता है कि हम उत्पादन के बड़े पैमाने के लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो इस प्रकार कृषि की ये विशेषताएँ भी हैं और कृषि की ये समस्याएँ भी हैं। अब सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए? तो सरकार ने 70 के दशक में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने सॉइल टेस्टिंग करवाई। सॉइल टेस्टिंग का मतलब कि आपकी मिट्टी की प्रकृति क्या है, उसमें किस तरह के फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है। HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को उपलब्ध करवाया। सिंचाई सुविधाओं का को उपलब्ध करवाया गया। तो इस प्रकार सरकार ने कई संस्थागत और तकनीकी कदम उठाकर कृषि क्षेत्र के विकास में प्रयास किया है, ताकि कृषि क्षेत्रों का विकास हो सके और किसानों की स्थिति उन्नत हो सके। अब हम बात करेंगे भारत में औद्योगिक स्थिति की। तो किसी भी देश के लिए उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उद्योगों के विकास के द्वारा क्या होता है, औद्योगिक विकास से उत्पादन होता है, उत्पादन हो रहा है, रोजगार की आवश्यकता है। तो दोनों तरह के रोजगार, चाहे आप लेबर ओरिएंटेड की बात करें, चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो दोनों तरह के रोजगार का सृजन होता है। दूसरी बात, जब रोजगार का सृजन हुआ तो लोगों को आय मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर में वृद्धि होगी। अब उत्पादन है तो उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, तो प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा। उत्पादन कर रहे हैं तो कच्चा माल को लाना ले जाना, तैयार माल को लाना ले जाना। तो औद्योगिक संरचना के साथ साथ अधोसंरचना का भी विकास हुआ। तो इस तरीके से हम कुल मिलाकर देखें कि औद्योगिक विकास के साथ साथ एक चहुमुखी विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो भारत की सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, निजीकरण, उदारीकरण, विश्वीकरण। अब मैं उदारीकरण की बात करूं तो भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति के तहत लाइसेंसिंग व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब केवल 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, बाकी उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। निजीकरण की मैं बात करूं तो केवल रेलवे उद्योग और आणविक शक्ति, ये 2 उद्योग ऐसे हैं जो कि सरकारी उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, बाकी सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। और हम ग्लोबलाइजेशन की, विश्वीकरण की बात करें तो अब भारत सरकार ने छूट प्रदान की है, आप आयात कर सकते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं, आप विदेशी तकनीक का आयात कर सकते हैं, आप विदेशी निवेश को भी आमंत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने बहुत ही कदम उठाए हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार का मतलब आयात और निर्यात से, ना केवल वस्तुओं का आयात निर्यात बल्कि सेवाओं का आयात निर्यात भी विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है। हम जब विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो कुछ बिंदुओं को देखेंगे कि हमारे यहाँ जो विदेशी व्यापार है, जो आयात और निर्यात का अंतर है, तो वो बहुत ही ऋणात्मक है। अर्थात हमारे निर्यात तो कम है और आयात बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी दशा में हमारा व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। तो हमारा व्यापार संतुलन ऋणात्मक रहा है। पिछले कुछ सालों की हम बात करें
तो हमारा आयात निर्यात लगातार बढ़ा है, व्यापार लगातार बढ़ा है, लेकिन ये ऋणात्मक रहा है और सरकार ने अब इस दिशा में फिर कदम उठाए। अब क्या करें? तो अब दो बातें हुई हैं, एक है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन, और दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हम अपने आयातों को कम करें, इसलिए आयात प्रतिस्थापन के द्वारा वे वस्तुएं जो हम आयात करते हैं अब उनके प्रतिस्थापन को हम अपने ही देश में उत्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो वस्तुएं जो हम निर्यात कर रहे थे अब हम उस निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए हम अपनी गुणवत्ता को, अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ना केवल वो वस्तुएं जो पहले से निर्यात की जाती थी, बल्कि नई वस्तुएं का भी मार्केट डेवलप हो सके, तो इसीलिए हम अपनी गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं ताकि हमारे देश की वस्तुओं की मांग विदेशों में भी हो सके। तो एक आयात प्रतिस्थापन और दूसरा निर्यात प्रोत्साहन। तो सरकार इस प्रकार से विदेशी व्यापार को बढ़ावा दे रही है और कोशिश ये की जा रही है कि हमारा व्यापार संतुलन अनुकूल हो सके। तो आज हमने इस वीडियो में बात की भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसमें हमने पहले ये बात की कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए आर्थिक नियोजन किस प्रकार से प्रारंभ किया गया, भारत में कृषि की स्थिति, औद्योगिक स्थिति और विदेशी व्यापार के मुख्य बिंदुओं पर भी हमने प्रकाश डाला। तो बच्चों, आज के लिए मेरा आपसे प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। आशा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर समुचित रूप से दे पाएंगे। धन्यवाद।